पैसा उसका जो धंधा जानता हूं, और मैं हूं धंधो नो गंदो छोकरो। हेलो एवरीवन, तो आपने जैसे वीडियो को क्लिक किया तो आपको NCL रिसर्च के बारे में लेटेस्ट अपडेट मिला, राइट इश्यू ऑफ शेयर्स, राइट। तो मैं राइट इश्यू शेयर्स का मीनिंग भी बताऊंगा और कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया। तो इसके पहले मैंने NCL रिसर्च के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस बना चुका हूँ, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट इश्यू ऑफ शेयर्स, तो NCL रिसर्च की कंपनी ने जस्ट अनाउंस किया कि कॉर्पोरेट एक्शन एक लिया, राइट। जैसे कंपनी ने अभी बोनस शेयर इशू किया, स्प्लिट इशू किया, राइट, तो वैसे अभी एक और एक्शन लिया, राइट इशू। तो व्हाट इज राइट इशू? राइट इशू ऑफ शेयर मींस ऑफर ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन देयर प्रोपोर्शन होल्डिंग। तो राइट इशू ऑफ शेयर मतलब क्या हो रहा है मालूम है? कंपनी मार्केट से पैसा उठाना चाहता है, तो इसके लिए कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू कर रहा है। इशू कर रहा है मतलब शेयर्स बेच रहा है, राइट। तो अराउंड कुछ 40 से 50 करोड़ के आसपास कंपनी फिर से मार्केट से पैसा उठा रहा है, राइट। तो ये शेयर्स कंपनी पब्लिक को नहीं बेचेगा, राइट। पब्लिक को कंपनी शेयर इशू नहीं करेगा। कंपनी शेयर किसको इशू करेगा? पुराने शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब जिसने शेयर पहले से खरीद चुके हैं, जो पुराने शेयर होल्डर्स है, कंपनी उसको शेयर्स अलॉट करेगा एट द डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मार्केट प्राइस 1.5 चल रहा है फिलहाल, तो जिस दिन वो अनाउंस करेगा तो 10% कम के रेंज में, 10% डिस्काउंट प्राइस में पुराने शेयर होल्डर्स को ये शेयर इशू करेगा। तो जो पुराने शेयर होल्डर है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, उसके पास क्या आता है? चॉइस आता है, राइट। क्या चॉइस है? वो शेयर्स को एक्सेप्ट भी कर सकता है, यस, और रिजेक्ट, मतलब वो ऑफर अगर एक्सेप्ट करता है तो उसको डिस्काउंट प्राइस में सस्ते में शेयर्स मिलेगा, और वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो जितने शेयर होल्डर शेयर्स को रिजेक्ट करेंगे, वो शेयर्स कौन खरीदेगा मालूम है? राइट, पब्लिक के पास जाएगा, फिर पब्लिक इसको मार्केट प्राइस में खरीदेगी। तो राइट इशू क्या होता है? कंपनी अपना शेयर जब बेचता है तो बाहर वाले को बेचने से पहले किसको शेयर इशू करेगा? पुराने शेयर होल्डर्स को। तो पुराने शेयर होल्डर्स को क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन होल्डिंग। प्रोपोर्शन होल्डिंग का मतलब कंपनी 1:1 दे रहा है, मतलब जिसके पास 10,000 शेयर है तो कंपनी उसको 10,000 शेयर ऑफर करेगा, और जिसके पास 5 शेयर है उसको 5 ऑफर करेगा, जिसके पास 1,00,000 शेयर है उसको 1,00,000 शेयर इशू करेगा, राइट, मतलब ऑफर करेगा। अब उसके ऊपर वो कितना शेयर्स खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा ऑफर नहीं करेगा। तो जितना प्रोपोर्शन होल्डिंग है वो इश्यू के हिसाब से कंपनी उनको शेयर्स अलॉट करेगा। फिर इसमें पुराने शेयर होल्डर के पास चॉइस है कि पूरा एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। तो जो NCL रिसर्च है, जस्ट लेटेस्ट अनाउंसमेंट, राइट, 40 से 50 करोड़ वो मार्केट से उठाना था, राइट। जो कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल है, जो कंपनी का पूरा लाइफ टाइम का लिमिट कुछ 90 करोड़ के आसपास है, अभी कंपनी मार्केट से 40 करोड़ उठाएगा, मतलब पूरा उसका मार्केट कैपिटल 130 हो जाएगा, राइट। और कंपनी ने रिसेंटली बोनस शेयर भी इशू किया, राइट, 1 दिसंबर को, फिर स्प्लिट भी किया, अब राइट इशू भी होने वाला है रिसेंटली। तो जैसे ईयर एंड हो रहा है, कंपनी का भी क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, राइट, 31 दिसंबर का, और राइट इश्यू का एक्शन भी होने वाला है आने वाले 5-6 दिन में, और फिर आने वाले मार्च से कंपनी डिविडेंड भी डिक्लेयर कर देगा। तो ये कंपनी पूरा कॉर्पोरेट एक्शन निभा रहा है, राइट। तो NCL रिसर्च के ऊपर ये थोड़ा लेटेस्ट वीडियो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, और इसका मैंने डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस, थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस मैंने और भी अपलोड कर चुका है। तो अगर आपको और वीडियो देखना रहेगा तो आप लोग चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आपको समझ में आ गया, राइट, राइट इशू क्या है? जब कंपनी शेयर्स मार्केट में बेचती है तो पब्लिक को पहले पुराने शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है, पुराने शेयर होल्डर के पास चॉइस रहता है कि वो कितना खरीदे, अगर वो रिजेक्ट कर देगा तब जाके कंपनी शेयर्स मार्केट में बेचती है, राइट। इससे फायदा ये होता है कि ज़्यादा शेयर होल्डर्स बढ़ती नहीं है और कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर को डिस्काउंट प्राइस में देती है। तो यही है राइट इशू जो NCL रिसर्च करने वाला है। थैंक यू वेरी मच।